बड़ी खुशखबरी, AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बड़ी 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 खुशखबरी जी दोस्तों, अभी अभी आई बड़ी बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी। कुलपति से हुई मीटिंग, छात्रों की निराशा अब बदली आशा। जी हाँ दोस्तों, अब होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या फिर डेट होगी एक्सटेंड। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि AKTU BC की तरफ से अभी अभी कि या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा या फिर डेट एक्सटेंड होगी। यानी कि हाँ, पूरी अपडेट्स वीडियो में मैं आपको बात करूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे कुछ जो है कुछ चीज़ें शेयर करनी है, आपसे कुछ जो है अपील भी करनी है, गुजारिश भी करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो है जानकारी देता हूं। चलिए करते हैं शायद, लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे कोई अपडेट आती है ऑनलाइन एग्जाम्स की आपको मिलते रहे। क्योंकि अगर एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी या फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो सारा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को जैसा कोई टाइम टेबल चेंज होता है या फिर कोई भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो आपको इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट, किया पूरी अपडेट। मैं आपको जो कुछ बताऊंगा साक्ष्य के हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से ही बताऊंगा, जो कि ऐसा नहीं आपको ऐसा हवा हवाई में। देखिए यहाँ पे AKTU छात्र संघ, पता है AKTU छात्रों का एक ग्रुप है जिसमें AKTU को सभी नियर अबाउट अपडेट मिलती रहती है। देखिए AKTU छात्र संघ जो कि AKTU के छात्रों को की आवाज़ को उठाता रहता है, तो AKTU छात्र संघ ने शुरू से ही आपके साथ था, आगे भी रहेगा। इन्होंने ट्वीट किया है, ये छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए चलाया जा रहा है संघ। ठीक है, आज का कुल समाचार यही रहा कि विनीत कंसल सर खुद जो है विनीत कंसल सर खुद जो है डेट एक्सटेंड ऑनलाइन एग्ज़ाम करने की बात कही है। यानी कहने का मतलब यह है, इन्होंने दो बात कही है। इन्होंने कहा अगर डेट एक्सटेंड होगी तो एक मंथ डेट बढ़ाएंगे, और उसके बाद अगर डेट नहीं बढ़ती है तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा। यानी कहने का मतलब इन्होंने स्वयं खुद डेट एक्सटेंड या फिर ऑनलाइन, दोनों में से कोई एक बात, दोनों या तो डेट एक्सटेंड होगी या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा। और लिखित में, यानी कहने का मतलब अभी इन्होंने केवल कहा है, लेकिन लिखित में जो बयान जारी होगा वो कल होगा। कल या तो कल वेबसाइट पर अपडेट होगा या फिर कल लिखित में जो भी देंगे फैसला देंगे, यानी कल जो भी होगा। अब देखिए यहाँ पर छात्र संघ तरफ से एक जो है स्कैन, एक जो है QR कोड शेयर किया जा रहा। क्या कहा जा रहा कि लेकिन हम लिखित में लेकर ही लौटेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या कहा है, दूसरे पॉइंट क्या कहा है कि लेकिन हम लिखित में ही लेकर लौटेंगे। और आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी विद्यार्थी वहाँ गए हैं उनके जल पान के लिए आप सभी कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, जितनी भी धनराशि हो आप चाहें दें। छात्र नेता पवन भड़ाना सर का यह QR कोड है, दिया जा रहा है, अन्य किसी पर विश्वास न करें। यानी कहीं और आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं। अगर देखो, अगर आप यार कम से कम, अगर जो लोग जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स का प्रोटेस्ट करते हैं ठंडी में, सब कुछ अपना सब कुछ टाइम सब कुछ खर्च करके जाते हैं, तो अगर वहाँ पे रहते हैं आपको पता है ठंडक में कहीं रहने की व्यवस्था नहीं होगी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी लोग, अगर आपके पास जो भी हो सके 10, 20, 50, 100 जो भी हो, अगर चाहे तो करें, नहीं तो आप मत करें। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अगर इंसानियत के नाम पर, अगर मानवता के रूप में, अगर आप नहीं जा सकते हैं कम से कम तो ऑफलाइन प्रोटेस्ट में, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि कम आप छात्रों की सपोर्ट करें, उनकी बातों को आगे तक पहुंचाएं, ट्वीट करें, वीडियो को शेयर करें, यूनिटी बनाएं। तो ये पवन सर की आप देख सकते हैं ID है, पवन बड़ाना सर की। आप इसको जो है QR कोड से या फिर ID के थ्रू आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ छात्रों का प्रूफ दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए कुछ छात्रों ने जो है पैसे कुछ भेजे हैं पेमेंट, तो उनके जलपान खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए जो लखनऊ में है, क्योंकि अभी कल भी प्रोटेस्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप चाहें तो करिए, ये मुझे नहीं मिलने वाला है। आप चाहे तो करिए, आप चाहे तो मत करिए। और मैं पवन बढ़ाना सर से कहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर, ताकि छात्रों को इस बात का जो है पूरा विश्वास हो जाए। ये देखिए आप सभी से अनुरोध है, मैं आपको बता दूं कि आप सभी से अनुरोध है कि कल जो भी लड़ाई शुरू हुआ है उसमें, जो भी लड़ाई शुरू हुआ उसमें अभी कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है, आप लड़ाई को जारी रखते हुए यहाँ पर कल और भी ज़्यादा संख्या में पहुँचना है। और पवन भैया जी के कदम से कदम, कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट आज गए थे वो तो जाएंगे जाएंगे कल, और कल उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट अभी नहीं गए थे आज, तो आप भी पहुँचने की कोशिश करिए, ताकि अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स हो, क्योंकि एटलीस्ट AKTU ने तो कंफर्म कर दिया है कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में होंगे या फिर आपकी डेट एग्जाम एक महीना एक्सटेंड होगा। देखिए हमारे सब्सक्राइबर, इन्होंने भी ट्वीट किया, हम इन्होंने कमेंट किया कि आज मैं गया था, शैलेश रजक हैं कह रहे हैं कि आज मैं गया था, VC बोले कि 2 बजे मीटिंग होगा, डेट बढ़ेगी या फिर ऑनलाइन पेपर होगा। कहने का मतलब दो बात कही, या तो पेपर ऑनलाइन होगा या फिर डेट बढ़ेगी। तो उसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम्स ऑनलाइन हो और आप चाहते हो कि आपकी डेट एक्सटेंड हो, तो आप लोग ज़रूर इस रिकॉर्डिंग को, ये जो रिकॉर्डिंग है इसको पूरा सुनिए, पूरा रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो, हाँ हाँ पवन जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैम स्थिति ये है कि अभी वाइस चांसलर निकल के आए थे बाहर। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग एक बारी एकेडमी के साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद कल आपको अपडेट करेंगे क्या डिसीजन रहा है। अगर हमारी कल मीटिंग, नहीं मैम सोमवार नहीं, उन्होंने कल बोला है। अच्छा, कल बोला। हाँ हाँ,
अब सौ हाँ उन्होंने ये तो आश्वासन दिया, तभी तो हम लोग आए वहां से निकल के। उन्होंने बोला अच्छा कि कितना है फिर आप लोग? अभी अभी तो हम लोग जितने भी हैं अपने अपने जहाँ कोई जहाँ रहने के लिए जा रहे हैं अभी, और अच्छा अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो फिर से सारे लोग आ जाएंगे। अब तो मतलब इसमें कितने बजे आप लोग वार्ता करेंगे इनसे? इनसे कल कल इन्होंने बोला है कि हम अपडेट करेंगे, कल हमारी मीटिंग है, मीटिंग के बाद अब कितने बजे? इन्होंने जो मीटिंग मेरे को बोल रहे थे कि टाइम का तो बताया नहीं है, लेकिन शाम तक अपडेट कर देंगे वेबसाइट पर। अगर अगर अच्छा हाँ अगर मीटिंग नहीं होती है, अगर हाँ 1% इन लोगों की मीटिंग नहीं होती है तो ये फिर डेट डेट एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अच्छा अट्ठाईस मीटिंग नहीं होती है तो एग्जाम की डेट बढ़ा देंगे। हाँ क्योंकि 28 तारीख से पेपर है, मंडे को 27 है, तो 27 में अगर ये अपडेट करते हैं तो बच्चा कैसे, हम क्या करेंगे। ठीक है, हाँ एक महीने के करीब की हम डेट बढ़ा देंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे ऑनलाइन वाले एग्जाम पे। अच्छा, चलिए ठीक है फिर। आप लोग आश्वस्त हैं अब? देखिए मैम अब तो इन्होंने आश्वासन ठीक तो है सर। दिया, अगर ये अपने जो हाँ शब्दों पर खरे उतरते हैं तो नहीं तो हेलो। हाँ हम तो ये चाहते हैं ना कि आप हमारी सहायता करें। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, हम जी भी तो जी कर जी रहे हैं भाई। अदर अगर आप अदरवाइज मुझसे कह रहे अदरवाइज हैं तो मैं, मैं हाँ मैं आगे का आपको प्लान भी बता देता हूँ क्या प्लान है हमारा आगे का। हाँ बताइए। हम जो लोकसभा है और योगी जी हैं उनका पूरा घेराव करेंगे, करीब 1 लाख बच्चा आएगा इस बार, कम से कम 1 लाख बच्चा पहुंचेगा। आज तो अभी हमने मैसेज कर दिया कि कोई नहीं पहुंचेगा। अच्छा चलिए ठीक है ठीक ठीक है मैम, है। तो हम ये कि देखिए हमारी प्रॉब्लम ना जेनुअन है। बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है हम इसको भी कोट कर देते हैं। तब से इसलिए फोन मिला रहे थे आपको, आपकी की वजह से हम अभी तक बैठे हुए हैं, ऑफिस में जी पता जी नहीं था कब निकल गए होते। चलिए जी मैम, ये धन्यवाद धन्यवाद इसके इसके लिए आपका, ये आप डाल दीजिएगा कि ये वार्ता हुई है, और ये वार्ता होने पे अगर ये मंडे मंडे इनकी कल मीटिंग नहीं होती है तो मंडे में इन्होंने आश्वासन दिया है विद्यार्थियों को कि ये डेट बढ़ाएंगे 1 महीने की कम से कम। ठीक है मैम, तो ये ज़रूर आप संज्ञान में डाल दीजिएगा। और कोई भी नई बात आपके संज्ञान में आती है तो मुझे अवगत कराइएगा इसी नंबर पे, मैं ठीक बिल्कुल है? अब बिल्कुल आप इसको सेव अब कर लीजिए। ठीक है। तो मैम ये जो आप जो अपडेट करते हैं ये किस तक पहुंचती हैं बातें? प्रशासन प्रशासन तक जाएगी ना आपकी बात, मेरे अच्छा माध्यम से भी। आपने ज्ञापन दिया है, एक हमारे माध्यम से जाएगी, ठीक जी 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 है? ठीक ठीक है मैम, ठीक है धन्यवाद। कहने का मतलब आज का सारांश, आज का समाचार यही है कि या तो आपकी डेट एक्सटेंड होगी यानी 1 महीने के बाद एग्जाम होगा, या फिर ऑनलाइन होगा। तो जैसे कोई न्यू अपडेट आती है, अगर आपको एक गुड न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, कम से कम दो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और कंट्रीब्यूट अगर आप कुछ पैसा यार करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्ज़ी। ठीक है, आपको मैं स्क्रीनशॉट दे चुका हूँ। बाकी अगर पौन बढ़ाने सर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस बात को कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट करके कि ये मेरा ही अकाउंट है, यानी आप इसको ऑफिशियली बता दीजिएगा ताकि छात्रों को इस पर ट्रस्ट हो सके।